उस प्रॉपर्टी से मिला। 2019-20 ये भी अभी भी वो होल टाइम मेंबर हैं, सेबी में हैं, किराया 36,75,000 उसी प्रॉपर्टी का मिला। आप पूछेंगे 7 लाख से सीधा 36 लाख, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों के लिए दिया हो, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है, किराए पे दिया तो किराया मिलेगा, किस कंपनी को दिया? अब सवाल ये है कि किस कंपनी को माधवीपुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का, आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वोकार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है, फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ? वोकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर माधवीपुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकार्ट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवीपुरी बुच जी चेयरपर्सन है, जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकार्ट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवीपुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकार्ट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन।